हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने फेसबुक अकाउंट को इस तरह डिलीट करेंगे ताकि कोई भी बंदा आपका आईडी को सर्च करेगा तो वो सर्च लिस्ट में शो ही ना करेगा, एकदम से रिमूव हो जाएगा। तो वीडियो का एंड तक देखना, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ दिख रहे 3 डॉट पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको दिखेगा एक और सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपको दिखेगा मीट अकाउंट सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पर दिखेगा पर्सनल डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर दिखेगा आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर दिखेगा डीएक्टिवेशन और डिलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपका फेसबुक का आईडी सर्च करेगा, यहाँ पर आपको शो करना है, सर्च करना है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको बोल रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट, यानी कि आप डीएक्टिवेट करना चाहते हैं टेम्पोररी या फिर जो डिलीट करना चाहते हैं अकाउंट इज परमानेंट, तो सिंपल आप परमानेंट में क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से रीजन मांगेगा कि आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रीज़न पे आपको दे दे रहे हैं आई स्पेंड टू मच टाइम फॉर फेसबुक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे दे रहे हैं फेसबुक, इसके वजह से डिलीट करना चाहते हैं, या फिर हैक हो रही है। कुछ भी रीज़न देने के बाद सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद कैसे आपको सिंपल यहाँ पर से कंटिन्यू पे एक और बार क्लिक करना है। उसके बाद कैसे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आप स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कैसे आपके सामने यहाँ पर फेसबुक आईडी का पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो आपको फेसबुक आईडी का पासवर्ड दे देना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो कैसे यहाँ पर आप फॉरगेट पासवर्ड पर भी क्लिक करके नंबर दे करके उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी देकर के न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से मैं अपने फेसबुक पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद गाइस सबको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको बोल रहा है डिलीट अकाउंट, सिंपल आप जैसे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर पढ़िएगा थोड़ा सा, तो मैं आपको मोटा मोटी समझा दे रहा हूँ कि 30 दिन के बाद ये अकाउंट जो है गाइस आपका आईडी से एकदम से रिमूव हो जाएगा, कोई भी बंदा सर्च करेगा तो नहीं आएगा, एकदम से डिलीट हो जाएगा परमानेंट, और आप कभी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर 30 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि वापस से मुझे लॉगिन करना है, मुझे ये अकाउंट को चलाना है, तो 30 दिन के अंदर आप ये पॉसिबल है, लेकिन 30 दिन के बाद ये आपका अनपॉसिबल हो जाएगा, आप कभी इस आईडी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है अर्जू अहमद सर्वर, यानी कि आप देख सकते हैं सेक्शन एक्सपायरी हो गया। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है दोस्तों यहाँ पर से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट जो है यहाँ पर से लॉग आउट हो चुका है, और ये अकाउंट को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप दूसरा अकाउंट को साइनअप कर सकते हैं अपना ओल्ड अकाउंट को, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो जल्द पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।